नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, सिल्वर जीता, भारत को मिला पहला पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला पदक दिया है। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीत किया है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। भारत का टोक्यो ओलंपिक में ये पहला पदक और भारत ने पदक का खाता सिल्वर मेडल से खोला है। इससे पहले साल 2000 में भारत की ओर से कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। मीराबाई चानू ने शनिवार को भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक दिलाया है। मीराबाई ने 49 किग्रा वर्ग से दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन की जियो होऊ ने जीता है। मीराबाई भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है। इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। मीराबाई ने 202 के कुल वजन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। स्नेच में मीराबाई ने दूसरे प्रयास से 90 और स्किल तथा जर्क में दूसरे प्रयास में 115 किलो वजन उठाया। टोक्यो ओलंपिक के आगाज के साथ ही भारत के खेल भी शुरू हो गए हैं। ओलंपिक में भारत के शानदार आगाज किया है। भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को अपने पहले ही मैच में 3-2 से हरा दिया। इस मैच के हीरो कप्तान मनप्रीत सिंह रहे, जिन्होंने 3 में से 2 गोल अपने टीम के लिए किए। इस तहत से हॉकी टीम अब आगे के चरण की ओर बढ़ रही है। भारत के लिए मनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि रुपिंदर बाल सिंह ने 1 गोल किया। रुपिंदर ने जहां 10वें मिनट में गोल किया, वहीं हरमनप्रीत ने 26वें और 33वें मिनट में गोल कर भारत को जीत की ओर अग्रगह किया। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों में 1-1 से बराबरी रही थी। इसके बाद भारत ने लगातार बढ़त बनाए रहा। न्यूजीलैंड की ओर से केन रसेल ने 6ठे और स्टीफन जेनेस ने 43वें मिनट में गोल किया। कुल अब भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से 25 जुलाई को है। ऑस्ट्रेलिया ने आज अपने पहले पूल में मैच में